उसके बाद इस पानी को सूंघ नहीं सकता था, जब साफ पानी रहा है सूंघ नहीं सकता। अगर सूखने के बाद मालूम पड़े इस पानी को लोग और हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है साहब, नहीं आप शांति चाहिए था नगर श्री कृष्ण दास श्री कृष्ण नगर अभी जो वीडियो बनाया साहब हमारा निवेदन है, आप पिछली बार भी आए थे हम अनुसार चिंता नहीं कर रहे हैं आपसे, आपकी व्यवस्था मेरा कहना है या तो मुझे आप पानी स्वच्छ दे दो वो नो लैंड मर रहे हैं या मुझे तो बस इससे ज्यादा लाता हूँ। आप मैं पीछे लाइन में खड़ा मैं था कार यहाँ के SDM को किसी जिम्मेदार आदमी शहर में गंदे पानी के कारण कोख में नवजात शिशु मर रहे हैं, उनके फेफड़ों में गंदा पानी निकल रहा है। इसके लिए 2011 में मैं विधानसभा लोक मध्य प्रदेश के लोकतंत्र के पवित्र मंदिर विधानसभा के गर्भगृह में बैठा, वहाँ मुझे तत्कालीन नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर ने आश्वस्त किया था, वो यहाँ आए थे जतिक लाल में दो बाल का एक खत्म हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम गंदे पानी की समस्या से निजात दिलाएंगे और आज तक निजात नहीं मिली। महामारी फैली हुई है शहर में, इसके लिए मुझ पर अनेक प्रकरण दर्ज किए गए, मैं फिर आज कहने आया हूँ कलेक्टर साहब से मुझे जेल भेजो या स्वच्छ पानी दो। ये देखिए इसको पानी को कोई सूंघ नहीं सकता, ये है जब कल मैं उपवास में बैठा 24 घंटे उसके बाद सफाई उसके बाद ये पानी है सीवर युक्त शुद्ध पानी और लोग पी के मर रहे हैं बीमार हैं। ये श्री कृष्ण नगर गदाईपुरा वार्ड क्रमांक 15 कलेक्टर ने कहा है कि मैं CMHO को भेज रहा हूँ, अधिकारियों को भेज रहा हूँ, मैंने कहा वहाँ भेजिए मेरे सामने वहाँ जनता के सामने ये पहले देखिएगा उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगा।